हाथ जोड़कर तुम्हें मनाऊं, आंख के आंसू अब कोई सेठ गया बात नहीं करो बेटा। देखो ये सौभाग्य रोज रोज नहीं मिलेगा, है ना, ये लोग तो सब फिर दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन मंदिर में बैठकर कीर्तन बाबा के सामने में ये रोज रोज नहीं मिलता, है ना। इसलिए एक ही निवेदन करूंगा, अगर इतनी भीड़ में इतनी धक्का मुक्की करके आप खड़े हो अपने शरीर को कष्ट देकर भी, तो फिर क्यों खड़े हो, क्यों बैठे हो, किस लिए शरीर को कष्ट दिया, चिपे बैठे हुए हैं। इसलिए कि आज अदालत में फैसला होने वाला है, इसलिए ये अदालत है प्रेमियों, और यही एक ऐसी अदालत है जिसमें जज भी यही है और वकील भी यही है। कोई गरीब आदमी कहां से वकील करेगा, और आजकल तो वकील भी ऐसे ऐसे हो गए, सुनने में आते हैं तो देखते हैं, सबके बारे में नहीं बोल रहा, आपसे पैसा लिया आपकी तरफ से लड़ने के लिए सामने वाले पार्टी से जाकर मिल जाते हैं और आपका जीता जीता है केस, आप हार जाते हैं, क्योंकि वो सामने वाला आप पर भारी पड़ जाता है, सामने वाला आप पर भारी पड़ जाता है। लेकिन ये अदालत में कोई वकील ही नहीं रखा बाबा ने, बाबा को नजर था कि गरीब आएगा तो उसकी वकालत कौन करेगा, तो बाबा ने कहा गरीब आए चाहे अमीर आए, सबकी वकालत भी मैं ही करूंगा और फैसला भी मैं ही सुनाऊंगा। तो प्रेमियों, गरीब पहुंचा बाबा के दरबार में, ए बहन जी, एक गरीब पहुंचा बाबा के दरबार में, खाटू में चार बार प्रवेश करो, पांच बार प्रवेश करो, हर बार चेहरा बदला हुआ नजर आएगा, हर बार हर दर्शन में बाबा अलग नजर आएंगे, है ना। यही तो हमारे बाबा की विशेषता है, बाबा के मस्तिष्क पर आपने देखा है पूरा ब्रह्मांड है, बाबा के मस्तिष्क पर पूरा ब्रह्मांड है। एक गरीब आया, उसने देखा कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर लोग लाइन आगे आगे खड़े हैं, कोई 2000 का चढ़ा रहा है, कोई 500 का चढ़ा रहा है, गरीब के पॉकेट में चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। उसने बाबा को देखा, उस समय चेहरा कुछ और नजर आ रहा था, लेकिन उसने ये सोचा कि बाबा मैं आपको क्या चढ़ाऊं, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, और शायद बिना चढ़ाए कि आप मेरी तरफ नहीं देखोगे। ये बातें मन में आई और उस गरीब की आंखों से दो बूंद टपक पड़े, और उसके बाद उसने बाबा को देखा, बाबा उसे हंसता हुआ नजर आ रहा था। शायद बोल रहा वो पगले, शायद बोल रहा वो पगले, ये जो दो बूंद टपकी है ना, इससे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो टपकी है, ये जो टपकी है वो तेरे है, ये जो दो टपके हैं ना ये तेरे हैं, ये जो लाल नोट निकाल कर जिसने चढ़ाया ना, वो लाल उसका नहीं था, वो मैंने उसे दिया था, ये जो हरा नोट चढ़ाया वो हरा नोट भी वो उसका नहीं था, वो मैंने उसे दिया, वो मेरे से लेकर मुझे वापस कर रहा है, लेकिन तूने जो दिया ना वो तेरा अपना है, उसे स्वीकार करता हूं। इसलिए कहा आंख के आंसू भेंट चढ़ाऊं, और बाबा मुझ गरीब के पास कुछ नहीं, बनवारी इन्हें मोती समझ स्वीकार करना। इसलिए प्रेमियों, कोई कमजोर भी खड़ा है ना, यहां आने के बाद में अपने आप को कमजोर मत समझना, और यहां से जाने के बाद भी कमजोर मत समझना। मैं ये नहीं कहता कि किसी को दो चार लगा देना, वो नहीं,
मानसिक रूप से इसके दरबार में आने के बाद में, इसके दरबार में आने के बाद में शरीर में, मन में और दिल में ये विश्वास हो जाना चाहिए कि अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे पीछे मेरा बाबा चलकर आ रहा है। बोले हारे के, आइए ऐसे ही एक गरीब की कहानी। आ जाओ इधर, आ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। देखो भाई, हेलो हेलो हेलो, थोड़ी सी परेशान था, सोने को हाथ लगाता मट्टी हो जाता था। एक दिन ऐसा आया कि सड़क पर आ गया, सब कुछ लूट गया, सब जगह से हार गया। सड़क के किनारे बैठकर माथा पीट रहा था, कोई श्याम का प्रेमी मिल गया। कैसा? ये हमारे पप्पू भैया जैसा। कैसा? घर घर कीर्तन करना, घर घर कीर्तन करना, कीर्तन करके लोगों को बताना कि बाबा, मेरा बाबा बहुत दयालु है। किसी एक हारे हुए को विश्वास हो जाए और वो खाटू पहुंच गया तो समझ लो आपकी तरफ बाबा ने जी भर के देख लिया। माथा पीट रहा था, कोई श्याम प्रेमी मिला। भैया ऐसे कीर्तन नहीं होगा, दादा ऐसे कीर्तन नहीं होगा, या तो आप लोग बोलो या मैं बोलूं। प्रेमी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? हारे हुए ने कहा कि पूरी दुनिया से हार चुका हूं। श्याम प्रेमी हंसा, अरे पगले, खाटू गया है? बोला कौन सा खाटू? बोला अभी तेरे जीतने के चांसेस बाकी हैं। उसने पूछा कैसे? बोला मैं एक दरवाजा जानता हूं, जिस दरवाजे के अंदर लोग हारे हुए प्रवेश करते हैं, मुंह लटकाकर प्रवेश करते हैं, आंख झुकाकर प्रवेश करते हैं, लेकिन जब बाहर वापस आते हैं ना तो उनके चेहरे लटके हुए नहीं होते, उनके चेहरे खिले हुए होते हैं गुलाब के फूल की तरह। उसको थोड़ी सी हिम्मत बंधी, ऐसा कौन सा सेठ है? उसने कहा उसका नाम है हारे का बाबा श्याम। तू एक बार खाटू जा। फिर आंखों में पानी आ गया, कैसे जाऊं? दो दिन से भूखा हूं, टिकट के पैसे नहीं। प्रेमी ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, निकाल कर कहा जा, चला जा और सुना दे अपनी दास्तान, और कल के बाद तू भी हंसते हंसते बोलेगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। वो पहुंचा बाबा के दरबार में, पहली सीढ़ी पर चढ़ते ही उसे कुछ कुछ होने लगा, और जब आखिरी सीढ़ी पर उसने कदम रखा, उसकी आंखों से फुहार निकलने लगी और बाबा की तरफ देखकर उसने सिर्फ एक ही चित्कार